आगाज अहम खबर से। फरूख हबीब ने पीटीआई छोड़ दी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आपको आईनी तरीके से हटाया गया, आपने पुरम मजाहमत की बजाय पुरतशद्दुद मुजाहमत का रास्ता अख्तियार किया। मजीद कहा कि आपने जेल जाने के लिए बैग भी तैयार किया था और ये भी चाहते थे कि लोग मजाहमत भी करें। आपने लोगों को इस हद तक पहुँचा दिया कि लोग अपनी ही फौज के खिलाफ लड़ने निकल पड़े। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि 9 मई के वाकयात को पाकिस्तान में एक सियाह डाके के तौर पर याद रखा जाएगा। तोशाखाना में हम जरदारी और नवाज शरीफ पर तनकीद रहे, मैंने खुद ट्वीट्स किए, हमें पता ही नहीं था कि चेयरमैन पीटीआई ने भी तोशाखाना से घड़ियां ली हैं। अलकादर यूनिवर्सिटी के मामले पर चेयरमैन पीटीआई ने बंद लिफाफे को काबीना से मंसूख कराया। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद ना हमें चैन से बैठने दिया गया जो पार्टी के अहदेदारान थे, ना पार्टी के वर्करों को, ना ही जो पाकिस्तान की आवाम है। लेकिन आपने जो रास्ता इख्तियार कर लिया वो रास्ता आपने पुरअमन मजाहमत की बजाय जो है वो आपने पुरतशद्दुद मजाहमत का रास्ता इख्तियार किया। खान साहब जो है वो वायलेंस को प्रमोट करते रहे। मैंने उस इमरान खान को ज्वाइन नहीं किया था, मैंने तो उस इमरान खान को ज्वाइन किया था जिसने हमें कायदे आजम का पाकिस्तान, नया पाकिस्तान, माशरती इंसाफ, जो सोशल जस्टिस के पीछे जिसने हमें मदीना की रियासत का हमें बताया था। मदीना की रियासत के अंदर लोगों को उकसाया नहीं जाता था कि आप जो है वो अपनी ही रियासत के खिलाफ खड़े हो जाएं, आप लड़ना शुरू कर दें।